हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 1 मोलर एंड 2.5 लीटर एनओएच सॉल्यूशन मिक्स विद अनदर 0.5 मोलर एंड 3 लीटर एनओएच सॉल्यूशन। देन फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन एंड द ऑप्शंस आर 0.80 मोलर, 1.0 मोलर, 0.73 मोलर एंड 0.50 मोलर। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लगाएंगे जो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 फॉर्मूला होता है। अभी मोलैरिटी हम सबको पता है क्या होती है, जो मोल्स है सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसके लिए M1 हो जाएगा हमारा 1 मोलर, V1 हो जाएगा 2.5 लीटर। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे? M1 इक्वल्स टू N1 अपॉन V1 मोलैरिटी हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल्स कितने आ जाएंगे? 1 × 2.5। अभी सेकंड सॉल्यूशन है उसके लिए हमारे पास M2 कितना है? 0.5 और V2 है 3 लीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा? M2 इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाई V2। सेकेंड सॉल्यूशन के मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 0.5 × 3, ये हो जाएंगे 1.5। अभी हमें क्या करना है? टोटल मोल्स बताने हैं। तो टोटल मोल्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन ये हो जाएंगे 2.5 प्लस 1.5, 4.0 हो जाएंगे। और टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? हमने दोनों सॉल्यूशंस को ऐड किया ना, इसलिए टोटल वॉल्यूम हो जाएगी ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगी 2.5 प्लस 3.0, ये हो जाएगी 5.5 लीटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो टोटल सॉल्यूशन है मतलब जो 5.5 लीटर रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इसमें कितना वो हो जाएगा? 5.5 लीटर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कंटेन 40 × 2.5 प्लस 1.5 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहां से क्या आ जाएगा? जो 1 लीटर है, 1 लीटर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इसमें कितना हो जाएगा? 40 × 4 डिवाइडेड बाई 5.5 आ जाएगा। ये क्या है? NaOH है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 × 4 डिवाइडेड बाई 5.5 × 40, ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ NaOH। यहां से हमारे पास जो मोलैरिटी है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ये हो जाएगी 0.727, राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 0.73 मोलर। सो द फाइनल आंसर इज 0.73 मोलर, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।